वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने जो बातें कही हैं एएसआई की रिपोर्ट को लेकर, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उसमें देखिए, ये दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर, ये एएसआई की रिपोर्ट को तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा है। तो वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने बड़ा बयान दिया, अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता, जितनी मंदिर तोड़ी गई है उतनी वापस आएगी, अवैध आदमी को घर खाली करना ही पड़ेगा। तो ये कहना है विष्णु जैन। और वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि उनके 47 साल का तजुर्बा कहता है कि कब्जाधारियों को एक दिन हटना ही होगा। सिक्योरिटी खतरे में है। अरे भाई, क्या सिक्योरिटी का मतलब ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लीजिए, वो सिक्योर हुआ? अगर ऐसा सिक्योरिटी की परिभाषा है तो मैं समझता हूँ कैसे सिक्योरिटी को देश की जनता एक मिनट भी नहीं मान सकती, क्योंकि इनका तो समय यही है कि अगर आपने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए तो ढांक तोड़ दीजिए, हम नमाज पढ़ते रहे, हमारा आधिपत्य रहे और देखते रहो कि हमारी मंदिर कभी थी, तड़पते रहो, तो वो सेकुलरिज्म है। और आप कहो भैया हमारी चीज वापस कर दो, तुमने गलती की थी चलो गलती मान लो वापस कर दो, तो सब सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और जो और एक बात बताओ आपको, जो कुछ भी होता है तो एक ही चीज की बात आती है, यानी जो सही बात है तो तोपर डालने के लिए बनाए, कोई एड कोई कानून और देश का संविधान इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकता कि मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर मंदिर या मंदिर के ऊपर मस्जिद रहे, इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकता। जिसकी जो चीज़ है उसको मिलनी चाहिए। और जो मंदिर, और यही नहीं, हमारा तो अभियान जारी है, मथुरा लेने जा रहे हैं, मथुरा भी लेने जा रहे हैं, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, और साथ साथ जितने और मंदिर हैं, कहते हैं कि साहब कितनी बढ़ जाएगी मंदिर, सीधी सी बात है जितनी मंदिर तोड़ी है उतनी वापस आएगी। तो आपने तोड़ी थी, हमको तकलीफ हुई थी, अब आप सब हम आप तो तोड़ नहीं रहे हैं, हम तो अपनी चीज मांग रहे हैं, आप बेदखल हो रहे हो। ठीक उसी तरह से कोई गुंडा मवाली बाहुबली किसी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उसको हटाइए तो फायरिंग शुरू कर देगा, कल ना डाटा खराब हो जाएगा, दंगा करेगा। पर कानून तो अपना काम करता है। मैं 47 साल से वकील हूँ, कितनों को ऐसे लोगों को देखा है, बहुत जिद करते रहे, आखिरी तक करते रहे, दुनिया की बात करते रहे, डर दिखाते रहे, वो खाली करके जाना पड़ा। तो कभी भी अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता, और जो अवैध है अवैध रहेगा, अवैध आदमी को घर खाली करना ही पड़ेगा। वरिष्ठ वकील हैं हरिशंकर जैन को आप सुन रहे थे। इधर ज्ञानवापी में मस्जिद के नीचे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और एएसआई की रिपोर्ट में क्या है आपको हम तफसील से ये भी बता देते हैं कि मुख्य तौर पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए, एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई इस बात का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की बात को कहते हुए मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था इस बात का भी उल्लेख है, और हिंदू मंदिर के होने की जानकारी के साथ 2 सितंबर 1669 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया यह भी कहा गया है। बिल्कुल, 2 सितंबर 1669 में ये एक मंदिर था जिसे ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए, एएसआई की रिपोर्ट में इससे जुड़े प्रमाण भी रखे जाने की बात कही जा रही है। मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण हुआ था, यह भी एएसआई की रिपोर्ट में मेंशन है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है, इसको भी एएसआई की रिपोर्ट में रखा गया है। जी, मस्जिद में जो खंभे यानी पिलर्स मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंभे बताए जा रहे हैं। यही नहीं, 32 जगह ऐसी है जिसमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, मसलन स्वास्तिक का निशान है, ओम कमल घंटी नाग देवता के भी निशान मिले हैं, और मस्जिद के अंदर कुल 34 शिलालेख भी मिले हैं। और इसी के आधार पर एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि यहां पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे आपका परिचय भी हम करा चुके हैं, अब फिर से इनका रुख करेंगे। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए लखनऊ से प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पीयूष भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि लगातार क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है और अब आगे कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि इंतजार हमें करना पड़ेगा, इस एंगल पर भी बात हो रही है। प्रीति आपके पास चलते हैं, इस वक्त जो एसआई की रिपोर्ट कल आई है
सामने, और जिसमें ये जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट की माने जो सर्वे हुआ है तो उसमें कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि यहाँ पर मंदिर ही था। अब फैसला कोर्ट लेगा कि अब आगे क्या होना है, जरा वहां की जानकारी दीजिए। वहां पर लोगों से आपने बातचीत की, वहां क्या कहना है लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल जो एएसआई ने जो रिपोर्ट दोनों पक्षों को जो सौंपी है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को, वो कुल जो रिपोर्ट है वो 839 पेजेस की है। और ये जो पूरा सर्वे है ये लगभग 100 दिन ये पूरा सर्वे चला है। उसके बाद इस सर्वे में साफ हो गया है कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक भव्य हिंदू मंदिर वहाँ पर था, ज्ञानवापी में मंदिर था, और उसके जो अवशेष हैं वो वहाँ पर मिले हैं। वहाँ पर जो दीवारें मिले हैं उसमें देवनागरी लिपि में लिखे हुए ओम नमो शिवाय के कुछ चीज़ें मिली हैं, और साथ ही उस मंदिर में वहाँ पे जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे और भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एएसआई के सर्वे में साफ हो गया है। और अब जो आगे का इनका कदम है वो ये है कि अभी ये जो पूरा एएसआई ने जो मंदिर का ज्ञानवापी का जो सर्वे करवाया था उसमें वजू खाने का जो क्षेत्र था उसको छोड़ा गया था, लेकिन अब वो मांग कर रहे हैं कि वजू खाने का भी सर्वे करवाया जाए। बिल्कुल, वजू खाने को लेकर भी ये जैन की तरफ से इंडिकेशन दिया गया है कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पे इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, वजू खाने का मामला भी बार बार सामने आ रहा है, उसे भी रेफर किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर भी एक तैयारी है हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से। बिल्कुल रवि, देखिए इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया हुआ है वजू खाने के दायरे को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर हिंदू पक्ष मूव कर सकता है और ये मांग कर सकता है कि एएसआई सर्वे में इतनी सारे साक्ष्य मिले हैं कि जो मस्जिद दावा की गई है वो मस्जिद नहीं है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दावा किया गया है कि 15वीं शताब्दी से उसका लगातार रखरखाव किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। तो ऐसे में जो दावा है मुस्लिम पक्ष का वो सीधे तौर पर खारिज हो रहा है। तो इस आधार पर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है और ये मांग कर सकता है कि वजू खाने का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा इशू जो था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 की बात की तारीख से अगर कोई मुकदमा होता है तो यथास्थिति कायम रखी जाएगी, और उस यथास्थिति का आधार ये था कि जो स्थिति है किसी भी धार्मिक चरित्र जो भी है किसी स्थल का वो रखा जाएगा। तो ऐसे में ये जो धार्मिक चरित्र निकल के आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, ठीक है, ये सारे तर्क, ये सारे दावे और उसमें एएसआई की इस रिपोर्ट को भी जोड़कर तर्क दिया जा रहा है, करेंगे इस पर हम बातचीत। देखिए एएसआई के दावे का जो आधार है उसको भी है एक बार हम बताने की आपको कोशिश करते हैं कि इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। जो चीजें मिली हैं उसको बेस बना के एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये सब कुछ मेंशन किया है। तो देखिए क्या क्या मिला है इसमें, शिलालेख मिले हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं और वास्तुशिल्प के टुकड़े भी मिले हैं जिसको एक प्रमाण के तौर पर एएसआई ने माना है। जी हाँ, और साथ ही मिट्टी के बर्तन मिले हैं, टेराकोटा, पत्थर, धातु, कांच की वस्तुएं, तो ये वो चीजें मिली हैं जिससे एएसआई अपने रिपोर्ट में ये कह रहा है कि यहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। तो एएसआई के दावे का आधार क्या है ये भी आपको हम बता रहे हैं, और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स भी दे रहे हैं कि अभी तक रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे प्रीति का, प्रीति के साथ वहां कुछ लोग भी मौजूद है। प्रीति, जरा लोगों से बात करिए और बताइए उनको कि किस तरीके से एएसआई ने अब रिपोर्ट रख दी है अपनी सामने, उस पर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि प्रमाण सारे मंदिर के हैं। बिल्कुल, इस समय हम जो अयोध्या में राम मंदिर के बाहर खड़े हैं और अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या है। मैम, आपको पता है ज्ञानवापी में कल जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर भव्य मंदिर था, उस पर आप क्या कहेंगी, अब क्या रिएक्शन आप? मंदिर तो था, ऐसा नहीं कि मंदिर, हम लोग के हर जगह पर मंदिर है, वो तो बना लिया जा रहा है, उसका रूप बदल बदल के मस्जिद बना ली जा रही है, मंदिर। एएसआई में भी अब उसके रिपोर्ट मिल गए, प्रमाण मिल गए कि वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू ही तो थे, ये तो मुस्लिम बने हैं, ये सब कन्वर्ट हुए, हिंदू जो आलस होती हो जाता है वही मुसलमान बन जाता है। आप क्या कहेंगी मैम?
थैंक यू, जय श्री राम। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि ज्ञान व्यापी में अब वहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पे भव्य मंदिर था, आप क्या कहेंगे आप? ज्ञान व्यापी वाराणसी में वहाँ पर वो तो जन्मभूमि है, हमें उतना जानकारी अभी नहीं है मैम, अभी जानकारी। तो यहाँ पर जो ठीक है प्रीति, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। देखिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी हैं, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद रजा साहब भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं MPLBI के। हाफिज नूर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ASI की इस रिपोर्ट का इस केस पर, यानी कि जो ज्ञानवापी का केस है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं, हम सौ बार कर चुका है तू इम्तहा हमारा। देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, जो ASI की रिपोर्ट आई है, जो हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं, हमने रात सुनी थी उनकी बातें थोड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कानून की लड़ाई लड़ा है ना, तो कानून की लड़ाई के एतबार से हम इससे इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, और सहमत होना भी नहीं चाहिए। चूंकि 30 सितंबर 2010 को जब हाईकोर्ट का फैसला आया था, तो हाईकोर्ट का फैसला बहुत अलग था, और 2019 में जो फैसला आया वो कुछ और था, 10 साल के बाद फैसला आया वो कुछ और था। तो हम चाहेंगे कि हम मुस्लिम पक्ष को बिना देर किए हुए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन हाफिज नूर साहब, जो निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, ओम के निशान मिले हैं, घंटी मिली है, और भी कई अवशेष मिले, उसे कैसे नकारेंगे आप? इससे ज्यादा हो रही थी बातें इससे पहले, बाबरी मस्जिद के मामले में हमने देखा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था, आखिरी फैसला आया था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। तो हमें 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 यकीन है कि हम जब कानून की लड़ाई लड़ेंगे तो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वैसे तो आप लोग तो देश की किसी मस्जिद में कह सकते हो कि ये हमारे फला है, यहाँ फला है, कौन आपसे लड़ पाएगा भाई? अब ताकत उसके प्रमाण देने पड़ेंगे। राजकुमार जी, ऐसा क्या हो सकता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को कोई भी कुछ भी क्लेम कर दे? क्या ऐसा है, ऐसा हो सकता है? देखिए मैं ये आशंकाएं, ये जो डर है मन में, कितनी जायज है, कितनी गलत है, या कितनी सही है, जो अभी अभी उन्होंने साहब ने कहा? देखिए रजा साहब ने जो बात कही है, इनकी बात में कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ की बात करते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मलिक साहब, जो कि एक अच्छे सीनियर वकील हैं। मैं इनकी बात को आगे करते हुए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा या श्रद्धा से चलेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन आप किसी की श्रद्धा बदल नहीं सकते हैं, किसी का विश्वास में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ASI ने सर्वे किया है, वहां पर वास्तुशास्त्र के इस प्रकार के चिन्ह सामने आए हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का वास्तुशास्त्र अलग है, मस्जिद का कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। मंदिर हमेशा वास्तुशास्त्र की विधि से निर्माण किए जाते हैं, लेकिन मस्जिद कोई स्थायी स्थान नहीं है। आज आप कहीं बना लीजिए, कहीं दूसरी जगह आप बना सकते हैं। आप अदरगल बोल रहे हैं, मस्जिद का कोई वास्तुशास्त्र नहीं होता है। मंदिर में चल अचल मूर्ति पार प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिर में जगमोहन होता है, मंदिर में गर्भगृह होता है, मंदिर में सत्संग भवन होते हैं। इस प्रकार से समस्त मंदिर के देवालय का वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा प्रकाश में किया गया है। इसलिए रजा साहब की बातें मन गढ़ंत बातें हैं, इनके पास में कोई तत्व नहीं है। अब ये ASI के सर्वे पर भी उंगली उठा रहे हैं, एक बार इनको मौका मिला, इन्होंने कहा ASI के सर्वे हम नहीं मानते, दोबारा फिर जज ने कहा कि दोबारा फिर सर्वे हो जाए, दूसरी बार सर्वे हो गया। इस प्रकार से इनके पास में केवल केस को लटकाना चाहते हैं,
लिखना करना चाहते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए रजा साहब, विजय सत्य की होती है। अगर विजय सत्य की ना होती तो आज तक दुनिया में सत्य समाप्त हो गया होता। अब भगवान शंकर ज्यादा समय तक मंदिर के बाहर नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी भगवान शंकर की प्रतिष्ठा अचल प्राण। मुझे लगता है कि एक एक करके हम अपनी बात रखें, गौरी शंकर मंदिर एक एक करके आपकी बात सुने। तो राजकुमार जी राजा साहब एक मिनट के लिए, भगवान शंकर मंदिर नहीं, ऐसे किसी की बात नहीं, कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए एक एक करके हम बात, उनकी बात हमने सुनी, आपकी बात सुनी, एक एक करके हम बढ़ेंगे। नहीं राजा साहब, आपको अवसर देंगे, आपको अवसर पहले भी दिया है, हम फिर देंगे। आप अपनी बात पूरी कर रही है, आप पूरे तर्क के साथ रखिएगा, कुछ अहम जानकारियां दर्शकों को दे दें, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए अब तक क्या हुआ है, अब तक कैसे, किन किन तारीखों पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, ये एक फैक्ट है अयोध्या से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर यह दावा हमेशा से रहा है कि 1528 एक वो तारीख है। ज्ञानवापी में क्या, तो ज्ञानवापी में 1669 वो एक ईयर, एक साल बताया गया जिसमें औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा, यह दावा अभी तक किया गया है। जी अयोध्या और ज्ञानवापी को लेकर के क्या क्या फैक्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। अयोध्या में अब तक क्या हुआ, 1976 में पहली बार विवादित स्थल का सर्वे हुआ, और ज्ञानवापी में 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ और एसआई की रिपोर्ट भी आई है। अयोध्या में वहीं अप्रैल 2003 में एसआई ने खुदाई शुरू की, और ज्ञानवापी में जुलाई 2023 में एसआई का सर्वे शुरू हुआ। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या की बात करें तो अगस्त 2003 में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई थी, और ज्ञानवापी की बात करें तो जनवरी 2024 में एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आई थी। और एएसआई ने अयोध्या के मामले में, एएसआई ने कहा मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं, और ज्ञानवापी के मामले में एएसआई ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। एक तरफ अवशेष मिलने की बात कही गई, दूसरी तरफ ज्ञानवापी के मामले में कहा गया कि मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद बनाई गई। जी अयोध्या की अगर बात बताएं आपको, तो पहले से कोर्ट में मामला था, वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं हुआ, और ज्ञानवापी में मामले में वर्शिप एक्ट अभी लागू नहीं है। तो अब तक क्या क्या हुआ है अयोध्या ज्ञानवापी को लेकर वो आपको बता रहे हैं। वहीं बाबरी मस्जिद दूसरी जगह ले जाई गई, अंतिम फैसला आया था अयोध्या में। ज्ञानवापी में आगे क्या होगा यह है बड़ा सवाल, क्योंकि मस्जिद दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, संभावना है ये, हालांकि अभी एसआई की रिपोर्ट आई है, अब आगे कोर्ट को निर्णय लेना है। वहीं अयोध्या में अंतिम फैसला क्या आया, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना, और ज्ञानवापी में आगे क्या होगा इस पर क्वेश्चन मार्क है। काशी विश्वनाथ मंदिर मूल स्थान पर लौट सकेगा, ये एक संभावना है। बिल्कुल, ये सवाल भी हैं, ये संभावनाएं भी हैं, और कुछ तथ्य भी हमने आपके सामने रखा है। और अब देखिए हमारे साथ स्वामी उपमन्यु भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले कामरान मलिक के पास मैं जाना चाहूंगा, उनसे मेरा एक सवाल रहेगा। इस पूरे मामले में बात कही जा रही है आस्था की, बात कही जा रही है कानून की, संविधान की, लेकिन इतना तो आप मानेंगे कि इस देश में पक्ष चाहे जो भी हो, सबको बराबर अवसर हर मामले में मिला है कोर्ट में, उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर अपनी बात को रखने का। क्या ये एक लॉ, एक एस्टैब्लिश्ड कानूनी व्यवस्था नहीं है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए? ये प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो की जा रही है? देखिए जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और भारतीय जगत अदर कोर्ट का सवाल है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्यों, और उसी वजह से मैं कानून की प्रैक्टिस भी करता हूँ। और क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद के केस में भी सारे पक्षों को जो है बहुत अच्छी तरह से मौका मिला अपनी बात को रखने का। और यहाँ पर भी जो है अभी जो है केस का जो है इनिशियल स्टेज है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारे पत्रकार हैं और हम में से कुछ लोग जो हैं बहुत ही असर्टिवली ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर ये मिला, वहाँ पर ये मूर्ति मिली, यहाँ पर ये क्वींस मिले, तो ये सब एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया। हाँ, एएसआई की रिपोर्ट, उसकी कॉपी दी गई है मुस्लिम पक्ष को। एक मिनट मेरे पूरी बात करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जो ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पेश की रिपोर्ट पेश की है, ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये प्रूफ कर देने के लिए कि उस वहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़ के बनाया गया। क्योंकि अब ये साक्ष्य मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, उन्होंने उस अभिलेख का जिक्र किया है जिसमें औरंगजेब का आदेश था, उस अभिलेख का जिक्र किया है, उसका भी मेंशन किया गया कि इसमें आदेश आया था, ये पत्थर पे है वो लिखने की, किस जगह है वो आदेश और किसके सामने जाकर मंदिर तोड़ा गया, कोई आदमी है जिंदा आज?
कोई आदमी है जिंदा, तो उसको उस सर सर वो सर वो बाबरी मस्जिद मैं देखिए अगर बाबरी मस्जिद के बैठे हैं, चर्चा जारी रहेगी। देवकी नंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दे दे, सर्वे रिपोर्ट पर विष्णु जैन का दावा। दरअसल मस्जिद में मंदिर के पिलर का उपयोग किया गया, यह दावा किया गया। तहखाने में कई मूर्तियां भी मिली हैं जो कि हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं, ये कहा जा रहा है। मंदिर के मलबे से किया गया निर्माण, बहुत बड़ी जानकारी है ये। एसआई की रिपोर्ट आई और उसके बाद विष्णु जैन ने यह दावा किया है। मतलब एसआई ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के, उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 फर्स्ट जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलोर में, तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरिड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, उनको आपने सुना और हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी भी जुड़ गए। देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारत वर्ष पर। अभी तक आपने एसआई की रिपोर्ट भी पढ़ ली होगी, पूरी खबर भी आपके सामने है और विष्णु जैन को आपने सुना। वो ये बता रहे हैं कि तहखाने में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसे निशान मिलते हैं जो कि इस बात के प्रमाण है कि यहाँ पर मंदिर पहले था, मस्जिद बाद में बनाई गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, काशी विश्वनाथ के इस एएसआई के सर्वेक्षण, हम सबसे पहले तो आप सभी के जितने भी TV9 भारतवर्ष के दर्शक हैं उन सबको 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करवा देते हैं, तो आप लोग जरा वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकन्याम भीम शंकरम सेतु वंदेत रामेशम नागेशम धारुणका वने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय केदारम भूषमे च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे विनश्यति। 7 जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम श्रवण करता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। आज मैं इस बात को, मैं इस बात के लिए हमेशा से कहता रहा हूँ, उस समय पहले भी आप लोगों ने डिबेट की है, उसमें भी मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि दूध का दूध पानी का पानी एक सर्वे के अनुसार होता है। ये हमारे जब हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी कोई बात जब निर्णय तक नहीं पहुंचती है तो फिर कहीं तीसरे का एंट्री होता है और वो एंट्री हो चुकी है एएसआई सर्वे की। और इस सर्वे के अनुसार आप देखिए 32 ऐसी जगह पर 839 पन्ने हमें बता रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। अब अगर मंदिर था और फिर मस्जिद बनाई गई, इस दो बातें हैं, मंदिर तोड़ा क्यों गया? हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, पूजा पद्धति को झुठलाने के लिए, ठोकर मारने के लिए, हिंदुओं को उनके देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए तोड़ा गया। ये किया गया औरंगजेब ने, ये औरंगजेब ने किया, ये जो आपके टीवी चैनलों पर आके बोलते हैं इन्होंने नहीं किया, इनके पूर्वज तो कभी ना कभी हिंदू ही थे। पर मुझे दुख इस बात का है कि जब आपके पूर्वजों ने शिव की पूजा की है और आज उसी औरंगजेब के अत्याचारों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो भाईचारे की बातें सिर्फ नगण्य होती है, शून्य होती है, उसमें कोई सत्य नहीं रह जाता है। अभी भी एक बात है कि अगर हम भारत में साथ साथ रहते हैं और हम लोग भाईचारे की बात भी अगर कहीं करते हैं, चाहे टीवी चैनलों पर ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें भाईचारे के कुछ स्टेप को आगे बढ़ाना होगा ना। अब सर्वे में ये आ गया कि ये पहले मंदिर था, दीवाल जो एक पश्चिमी दीवाल है, पूर्वी या पश्चिमी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो दीवाल है उस पर पूरी मंदिर की है, वहां पर जो चिन्ह है स्वास्तिक के चिन्ह है और भी जो सारे चिन्ह वहां मिल रहे हैं जो आप टीवी पे दिखा भी रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इतना प्रमाण मिलने के बाद भी किसी का साहस कैसे हो सकता है कि वो ये कहे कि मस्जिद है? ठीक है भाई, पूर्व काल में देवकी नंदन जी सुधारिये ना, ये एक प्रश्न आप उठा रहे हैं कि औरंगजेब के फैसलों का इस देश के मुसलमान क्यों समर्थन करेंगे?
सवाल यही है, ये आप सवाल उठा रहे हैं कि औरंगजेब ने आज से 400 साल पहले कोई सही या गलत फैसला लिया, उसमें आज के मुसलमान या मुस्लिम समाज के पक्ष में खड़े होने का क्या अर्थ है? रंगरे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ कमरा साहब। नहीं, अभी बड़ी अच्छी बात कही देवकी नंदन ठाकुर ने कि वहाँ पर जब मंदिर था तो मुसलमानों ने जो उस मंदिर को तोड़ दिया, अपमानित करने का काम औरंगजेब ने कहा उन्होंने। हाँ, औरंगजेब ने तोड़वा। हाँ, औरंगजेब का ही नाम ले लीजिए, उन्होंने तोड़ दिया तो नीचा दिखाया गया हिंदू समाज को। मगर जब 1992 में जब हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ कर वहाँ पर आज मंदिर बना 22 जनवरी को, वो मुसलमानों को अपमानित नहीं करा गया? नहीं, वो नहीं, वो अपमानित नहीं किया गया क्या? उनको नीचे नहीं दिखाया गया? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए गुरुजी, बार बार वो बता रहे हैं कि वहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह मिले या हिंदू धर्म के वहाँ पे चिन्हित मिले हैं, मगर मैं कह रहा हूँ वो दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह ने वहाँ पे दीने इलाही के तहत एक मरकज बनाया था जहाँ पे सब धर्म के लोग जो है एक साथ आकर अपनी पूजा पति का उत्तर ले लेते हैं देवकी नंदन जी से। देवकी नंदन जी, यहाँ पे रंगरेज साहब कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब ने तोड़ा तो वो अपमानित करने के लिए था, तो बाबरी ढांचा जब गिरा था वो क्या था? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सिर्फ बातें हम लोग बहुत लंबी लंबी कर लेते हैं। अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें तो एक तो बात बता दीजिए, बाबर का और बाबरी का भारत से क्या लेना देना है? बाबर का भी कोई भारत से लेना देना नहीं, बाबरी का भी कोई भारत से लेना देना नहीं। जो भारत में मुसलमान लोग रहते हैं, हमारे भाई लोग, उनका बाबर और बाबरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है। तो जिन लोग जो लोग बाबर और बाबरी से अपना लिंक जोड़ेंगे, निश्चित वो भाईचारे पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति बनी रहे। दूसरी बात, अगर पूर्व काल में किसी आतताई ने गलती की है, अपराध किया है, तो गलती सुधारने का मौका है। इस सर्वे के बाद में भी अगर ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, ये काशी विश्वनाथ की है, आप विश्वनाथ का मंदिर बनाइए, हमें से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपने भाईचारे को निभाएंगे और आगे जो हमारे हिंदू बड़े भाई हैं उनका हम साथ निभाएंगे। ये बात गुरुजी, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। सुनिए सुनिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी बना और मंदिर भी बहुत भव्य बना, फिर भी आप जो है बार बार मुस्लिम जहाँ पर मस्जिदें हैं हमारी उन पर ही आप क्यों दावा करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है भगवान जो है यहाँ पैदा हुए, और बार बार इन बातों को करना और विवाद खड़ा करना, इससे क्या आपको क्या भाजपा की टूल किट बनने का काम करते हैं आप? भाजपा के मुद्दे सूट करते हैं, वो हमेशा 80-20 की बात करती है, शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, कपड़ों से पहचानने की बात करती है, तो ये सारी चीजें देखिए विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लियर कहता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता, ये मेरा कहना है। सर, देवकी नंदन जी से एक मेरा भी क्वेश्चन था, जरा मैं पूछ लूं क्या? लौटते हैं आपके पास, पहले देवकी नंदन जी का उत्तर ले लेते हैं। इनको ये बता दीजिए कि मैं किसी की टूल किट नहीं हूँ, मैं अपने सनातन की जो भी छोटा सा कण हूँ अपने सनातन धर्म का हूँ, और हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी है। तोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा, जिन्होंने कृष्ण मंदिर तोड़ा, जिन्होंने काशी विश्वनाथ को तोड़कर आधा अधूरे अपने उन्हीं जगह पे, उनपे तो उतना भी पैसा नहीं था बेशर्मों पर कि वो लोग अपने कहीं से लाके पैसा लाके सामान लाके मस्जिद भी बना पाते। उसी मंदिर को तोड़वाकर उन्हीं की चीजों को उन्हीं के पिलरों को खड़ा करके उन्होंने वहां पर मस्जिद खड़ा कर दी, बेशर्मी की हद। अच्छा गुरु जी, एक बात और बता दीजिए, उनकी ठीक है। और रही बात ये कि अगर हमने अगर बाबरी राम मंदिर तोड़ा किसने था, राम मंदिर तोड़ा किसने था? कोई मेरे घर में घुस जाएगा और अगर कोई मेरे घर में घुसेगा तो मैं अपना घर खाली भी नहीं करवाऊंगा। अतः देवकी नंदन जी, आपके पास कितनी मस्जिदों की लिस्ट है वो भी क्लियर कर दीजिए, 30,000 हैं या 1,00,000 हैं? आप पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कितने जैन मंदिर तोड़कर आपने अपने मंदिर बनाए, कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़कर आपने अपने मंदिर बनाए, क्या इस देश में सारे मस्जिद और मंदिरों के सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हटा दिया जाए तो आप पूरे देश में खुदाई का काम शुरू करा देंगे, हर चीज का करेक्टर आप जांच करना शुरू कर देंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ ये आप विवाद करना बिल्कुल बंद करिए, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला। वहां पे भव्य मंदिर बना हुआ भाई, वहां जाओ पूजा करो, किसको क्या ऐतराज है? ये तो आपका सवाल पूरा हो गया होगा। हाफिज साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर से, जल्दी से जी पूछिए। जितनी बातें की हैं ठाकुर साहब ने अब तक वो अनर्गल की हैं, जैसे हम पर बदमनी का इल्जाम लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ, मस्जिदें आप तोड़ रहे हो,
मस्जिदें तोड़ने के प्लान आप बना रहे हो, मस्जिदों में अपने अपने भगवान साबित करने की साजिशें आप कर रहे हो, और अमन को बर्बाद हम कर रहे हैं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए, किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं गया है, सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट आई है। अरे ये तोड़ भी देंगे कौन, इनका क्या कर लेगा, 1992 में तोड़ दी, किसने क्या कर लिया। ये रोज रोज बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ बोलना, ये कब तक टीवी चैनलों पर चलेगा। मस्जिद मतलब आप 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्यों बनाया गया वो। आप खुद सर देखिए, नहीं नहीं देखिए, हमको सुनिए, एक मिनट देखिए हमको बहुत काल्पनिक बातों पे नहीं जाना है। सब जानते हैं कि बाबरी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू किया गया, ये कोर्ट ने साफ कर दिया था, हम बार बार उस चीज पे जा रहे हैं। दूसरा ज्ञानवापी का विषय जो है, सर सुनिए तो पहले, अब आपने बात कह ली ना, हमने आपको रोका नहीं, आप धैर्य रखिए, सुनने का प्रयास करिए, हम भी कुछ गलत नहीं बात कह रहे हैं। जो कोर्ट ने कहा, सुनिए तो, प्रश्न सुनिए, प्रश्न सुनिए, देखिए जैसा कि रंगरेज साहब ने बहुत सही कहा, देवकीनंदन जी इस पे उत्तर दीजिएगा जरूर, रंगरेज साहब ने बहुत सही कहा कि ये मामला जो है वहां पूजा का है, प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति का है, और पूजा कहां होगी, जहां मंदिर होगा, इसीलिए बार बार ये बात आ रही है कि वो मंदिर है कि नहीं है। देवकीनंदन जी इस पे आप क्या कहेंगे, ये बार बार बात कही जा रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें एक फैक्ट है कि बाबरी वाले मसले पर ये कानून नहीं लागू हुआ, ये सर्वोच्च अदालत तक गए इस तथ्य को लेकर, वहां भी वो स्वीकार नहीं किया गया। देवकीनंदन जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, इनकी नलगल बातों का मैं जवाब देने नहीं आया हूँ। मैं सुबह सुबह अपने ठाकुर जी का नाम लूंगा, लेकिन जब ज्ञान वापी का विषय आया तो मैं आ गया आपके टीवी चैनल पे, मैं डिबेट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आप 1947 से पहले भी जो सर्वे आया है उसमें यही बताया गया है कि ये पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। तो जब पहले मंदिर था तो 1900 एक्ट इस पे असर नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, और ये सर्वे हुआ है, और सर्वे सरकारी एजेंसी ने किया है, देवकीनंदन ठाकुर के किसी तागिर्द ने नहीं किया है, या किसी मौलवी के तागिर्द ने नहीं ये सर्वे किया है, ये सरकारी एजेंसी ने किया ये सर्वे कर रहे हैं बैठ के। और जब सरकारी एजेंसी ने ये सर्वे किया है तो इन लोगों से पहले ये पूछिए कि भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं, सरकार की एजेंसियों को मानते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में भी तुम्हारी चलेगी, बांग्लादेश में भी तुम्हारी चलेगी, गाजा पट्टी में भी तुम्हारी चलेगी, यूक्रेन में, यूरोप में तुम्हारी चलेगी, तो हमारी वो भी बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, हमारी बात को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। रुक जाइए, आपने अपनी बात बोली, उनका जवाब तो सुनिए, पूरा जवाब तो सुनिए। देवकीनंदन जी बोलिए, इनको एक बात बता दीजिए क्लियर, जैसे इनके लिए मक्का और मदीना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सभी सनातनियों के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भाईचारे की झूठी सांस की बातें करते हैं तो टीवी डिबेट पे लड़ने की बजाय तथ्यों की बात करें, और तथ्यों के साथ अगर बात करेंगे तो हम इनसे बात कर सकते हैं। अगर बेवजह सिर पे उल्टा सीधा लड़ने के लिए बात करेंगे तो ये अपने घर में जाए और वहां जाके लड़े, हमसे ना लड़े, हमारा लड़ने का स्वभाव नहीं। हम ये कह रहे हैं काशी में हमारे विश्वनाथ हैं, मथुरा में हमारे कृष्ण हैं, अयोध्या में हमारे राम हैं, जैसे मक्का मदीना में तुम्हारी पूजा के स्थली है। लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है, ये लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसी आधार पर ये सर्वे भी की गई है। देवकीनंदन जी मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से प्रीति भी जुड़ी हुई है, अयोध्या में राम भक्त मौजूद हैं। प्रीति जरा उनसे पूछिए कि ज्ञानवापी को लेकर के जो एसआई की रिपोर्ट आई है उसे लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी की बारी है। बिल्कुल, एएसआई की जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि वहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर था, भव्य मंदिर था, अब यहाँ पे राम भक्त बहुत सारे मौजूद हैं जो अयोध्या में राम श्री राम के दर्शन करने के लिए आए, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है। एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, आपको पता होगा कल रात में ज्ञानव्यापी में, उसमें उन्हें कहा गया है कि मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था, तो अब क्या कहेंगे आप। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पे राम मंदिर बना है
तो वैसे ही वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर भी बनना चाहिए। केवल यह रिक्वेस्ट है कि इसको लंबा ना खींचा जाए, अगर सच सामने आ चुका है तो उसको भाईचारे के तहत हमें दे दिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखो, एक सामाजिक समरसता का, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो भाई भाई की जो समरसता है वो सामने आनी चाहिए। एक संप्रदाय को अपने आप दो कदम आगे बढ़ाकर कहना चाहिए कि ये आपका है और आप इसको लीजिए। और भगवान शिव का अब तक हम सहते ही आए हैं और कहते हैं धर्म की जड़ सदा हरी होती है, और जिस हिसाब से 500 सालों में भव्य मंदिर तैयार हुआ है, तो हिंदू सनातनी कभी किसी के साथ वैर नहीं करना चाहते, और हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, और उस शांति का आज प्रतीक है कि 500 सालों के बाद इतना भव्य मंदिर। ज्ञानवापी में भी ऐसा ही होना चाहिए, ज्ञानवापी में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा संघर्ष ना हो। ठीक है प्रीति, यहाँ वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। कामरान साहब, इस पर मैं चाहूंगा कि आप उत्तर जरूर दें। और देखिए, एएसआई की रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो बयान भी हम आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही यह मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। कौन कह रहा है? गिरिराज सिंह। इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा, सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है एएसआई की रिपोर्ट पर। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को जगह सौंप देनी चाहिए, जो ऐतिहासिक गलतियां उनको सुधारने का अवसर देना चाहिए, मिलना चाहिए उसको, और सामाजिक समरसता इससे बढ़ेगी, इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। गिरिराज सिंह का यह बयान एक बार फिर से देखिए। गिरिराज सिंह ने जो बातें कही हैं, मुस्लिम पक्ष को स्वतः ही ये मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, और इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बात वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ कि स्वतः ही अगर इस स्थान को दिया गया तो इससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, लोगों का आपसे विश्वास बढ़ेगा। ये गिरिराज सिंह का कहना है, उनकी प्रतिक्रिया है। और वहीं ज्ञानवापी पर एसआई की रिपोर्ट आने के बाद मामले में महिला पक्षकारों सीता साहू और रेखा पाठक साथ ही लक्ष्मी देवी का क्या कहना है, आपको बताते हैं। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के टूटे हुए खंडित, जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुंबद वहाँ पे सिर्फ बना, जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुंबद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है, वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं, ये सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे, वजू खाने का, ताकि बाबा जी भी वहाँ से आजाद हो सके, नंदी जी की भी प्रतीक्षा पूरी हो सके। रिपोर्ट आ गया, विष्णु भैया पढ़ रहे थे, मुझको बहुत खुशी हो रही थी, इतना खुशी हो रही थी पूछिए। उस समय हम लोगों ने अपना मंदिर देखा, इतना हम लोग को रुवाई आ रहा था कि अरे हमारे आराध्य के साथ ऐसा दुर्गति हो रहा है। सारे मूर्तियाँ 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान की उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे, रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया, दबी हुई थी, तहखाने में से निकली है, और घोड़े पे राजा रानी का मतलब था, और अनगिनत समला 18-19 तांबे के पैसा, उस समय का तांबे का पैसा जो पहले चलते उस समय मिल रहा, एक तरह से वहाँ पे लेबोरेटरी खुल गया था, लैब खुल गया था सिक्का उक्का चमकाने के लिए बहुत। और पश्चिमी दीवार के जो हम लोग देवड़ी कहते हैं, उस देवड़ी पे नंदी भगवान बने थे, और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट के 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है। बहुत से साक्ष्य मिले हैं, हम लोग को बहुत खुशी भी है, ये अब साबित हो गया है कि हमारा मंदिर है। औरंगजेब का टूटा हुआ शिलापट भी मिल गया है, जो फरमान किए थे कि इसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए, वो भी एक साक्ष्य मिल गया है। बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं।
देखिए पक्षकारों की बात आपने सुनी, जिसमें इस रिपोर्ट में किए गए बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कामरान साहब के पास चलेंगे। सर आप तो वकील हैं, हमने संभावनाओं पर भी बात की कि अब एसआई की रिपोर्ट तो आ गई है, अब आगे कोर्ट में इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और उसके बाद आगे क्या फैसला होगा ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन एक संभावना ये भी कहती है कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कुछ निर्णय लिया जाता है, पॉसिबिलिटी है ये, तो ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट शिफ्ट किया जाए या फिर एक बार और मौका दिया जाएगा सर्वे कराने के लिए, क्योंकि जो वजू खाना है अभी तक उसका सर्वे नहीं किया गया, आगे क्या हो सकता है कानूनी पहलू पे बात करें तो। कामरान साहब आपसे सवाल है। अच्छा देखिए जो जो ये सर्वे पेश किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जी, ये सब संभावनाएं हैं, मतलब मैं वैसी की बात को जो है कहते हैं नहीं वो कर रहा हूं, ये जो है आप पूरा पूरी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए कि ऐसा प्रतीत हुआ ऐसा पाया गया, ये चीज़ ये साबित नहीं कर रही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, अब इस चीज़ को कोर्ट के अंदर कौन प्रूफ करेगा कि मंदिर तोड़ा गया था और मस्जिद बनाई गई थी, या नहीं सर, एक, 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 एक पूरी बात करने नहीं, नहीं, मैं चुकी, पर चुकी मुझे लगता है, मुझे लगता है इस पर आप थोड़ा स्पष्ट हो जाइए, आप स्पष्ट बताइए दर्शकों को कि एएसआई एक ऐसी एजेंसी है जो ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने का काम करती है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? देखिए मैं अभी उसका काम ही यही है कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाए, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? अगर अगर उस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर पे आपको विश्वास नहीं है तो फिर हम कहां बात करें, किससे बात करें साक्ष्य जुटाने के लिए? देखिए ऐतिहासिक मामले में हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हैं वो हिस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं, मगर कानून का एविडेंस नहीं हो सकते हर वक्त। कानून का एविडेंस तो जो है कहते जो आज के दस्तावेजों में लिखा हुआ है, कानून के अंतर्गत उसको एएसआई को कहा गया। अरे आप बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद के जजमेंट पढ़ लीजिए, बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, कानून ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने रिपोर्ट है उसके तो आप ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कोर्ट में नहीं टिकते हैं, आप ये कह रहे हैं कार्बन डेटिंग में उपमान्य जी, एक मिनट रुके तो उपमान्य जी, कानूनी बात हम थोड़ा समझ लें सर, क्या नहीं नहीं सवाल मैं आप ही के प्रश्न, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कोर्ट में नहीं स्टैंड करते हैं किसी भी मामले में? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वही समझाना चाह रहा हूँ। अरे सुन लो थोड़ा, आप मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म करता हूं। दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, प्राइमरी एविडेंसेस एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो सेकेंडरी एविडेंस है, और सेकेंडरी एविडेंस को प्रूफ करने के लिए एक अनदर एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो अनदर एविडेंस क्या होता है? ये कानून का सिस्टम है, वो चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, वो चलता ही रहेगा। ठीक है देवकी नंदन जी, अब यहाँ पे बात आती है देवकी नंदन, नहीं नहीं ये ठीक है आपने बात कह दी देवकी नंदन जी, अब प्रश्न ये उठता है कि कोई एक मिनट देवकी नंदन जी, अब प्रश्न ये उठता है कि अदालत के सामने कोई भी विषय जो थोड़ा ऐतिहासिक है, 50 साल 100 साल 200 साल पुराना मामला है, हमने बाबरी में भी देखा वो मामला काफी पुराना था, वो सैकड़ों साल पुराना मामला था, वैसे मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य कौन जुटाएगा, कौन लाएगा इतिहास से जुड़े हुए तथ्य कोर्ट के सामने कि भाई इस जगह का कैरेक्टर क्या रहा है, क्या है और क्या होना चाहिए, इस बारे में तथ्य कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, अदालतों के आदेश पे एजेंसियां देंगी, रिसर्चर्स देंगे, हिस्टोरियंस देंगे, कौन देगा? सबसे पहली बात तो है कि ये लोग टीवी चैनलों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको सरकारी एजेंसियों पर बिलीव नहीं, विश्वास नहीं। इनके बड़े बड़े नेताओं ने भी वही भाषण दिया है जिसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि इनको सरकारी किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं है, और सनातनियों में यही फर्क है कि जो सरकारी एजेंसी कहती है, सरकारी एजेंसी जो कहती है हम उसी को मानते, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे में कहा गया कि ज्ञान वापी में भी अब क्या नाम है सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। मुझे यही डर है कि मथुरा में जो ईदगाह है वहां भी कृष्ण भूमि पे ये लोग उस जितने भी चिन्ह हैं सनातन के पुरातन जो मंदिर के हैं उनको मिटाने का प्रयास कर रहे होंगे, इसका मतलब है। तो उस पर भी ध्यान रखा जाए, मथुरा में भी कृष्ण भूमि खतरे में है, इसका मतलब ईदगाह खतरे में है, तो वहां भी सनातन के चिन्ह नहीं ढूंढने को मिलेंगे। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि सबूत
सबूत तो हमारे पुराणों में भरे पड़े, मथुरा के विषय में कुछ बात तो करे। पुराण नहीं माने जाते कानून के अंदर, पुराण और कुरान को नहीं माना जाता। अरे कानून को तो मानिए। अरे कुरान को कुरान को थोड़ा ही माना जाएगा। अरे कानून को तो मानिए, कानून को मानिए। बीच में मत बोलिए, उनको अपना जवाब पूरा करने दीजिए। बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। देवकी नंदन जी जल्दी से पूरा करिए जी। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने सबूत चाहिए कि काशी विश्वनाथ की है पुराण के अंदर से नहीं सर, हिंदू संगठन देगा। अरे हम सबके अंदर देंगे, आप बोलने दीजिए हमको। जो जो कानून स्वीकार करेगा वो सारे सबूत देंगे, और आप पे बाबर का एक भी सबूत नहीं मिलेगा कि भारत पे बाबर का क्या मतलब। पुराण तो माने ही नहीं जाते, क्या कहते हैं उसके अंदर, वेद और पुराण और कुरान को तो माना ही नहीं जाता कोर्ट के अंदर। नहीं ठीक है, वो तो एक अधिकार है ना अपना पक्ष रखने का, कोर्ट करने का, इसको आप अधिकार को कैसे डिनाई कर सकते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष ये अब देखिए, यहां पर सारी बातें आ गई हैं कि वो साक्ष्य कौन से होंगे जो कोर्ट के सामने जाएंगे और कौन से एडमिसिबल होंगे। क्या हर तरह के साक्ष्य रखने की आजादी हर पक्ष को होती है, मतलब उसमें पुराणों का, ग्रंथों का, स्क्रिप्चर्स का, जो लोक कथाएं हैं या फिर जो जो जिन्होंने बायोग्राफी लिखी, औरंगजेब की भी बात का, आलमगिरी की बात हो रही है, वो सारे क्या कोर्ट में प्रेजेंट करने लायक होते हैं, या फिर उसमें भी कोई क्राइटेरिया है कि भाई ये आएगा और ये नहीं आएगा। एएसआई के सिक्के आ सकते हैं लेकिन एएसआई की रिपोर्ट नहीं आ सकती, क्या ऐसा है क्या? यस सर ऐसा है रवि। देखिए ये सारी चीजें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं कि कोर्ट किन आधारों पर बिलीव करता है, क्योंकि अयोध्या मामले में सारी चीजें आप देख चुके हैं कि जो शिलालेख थे उनके आधारों को और एएसआई रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया है। यहां पर ज्ञानवापी मामले में व्यास जी का जो तहखाना है उस पर जिला अधिकारी ने अपना कब्जा लिया था और उसके बाद जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे आधार हैं जो हिंदू पक्ष के पास हैं अभी, और उनका जिक्र किया जाएगा कोर्ट में। सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। रहा सवाल एएसआई सर्वे रिपोर्ट का, तो एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट फैसला लेगी, कोई बाहरी व्यक्ति फैसला नहीं लेगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो। कोर्ट को ही ये आधार तय करना है कि एएसआई रिपोर्ट कितनी पुख्ता है और उसके आधार जो प्रतीत आधार हैं वो कितने मान्य होंगे, और इन्हीं दोनों मसलों पर जो पक्ष होंगे और विपक्ष होंगे, यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, वो अपनी दलीलें पेश करेंगे और उनके क्रॉस जो होंगे एक दूसरे के, जो बहस होगी आधारों पर वो, और उसके बाद कोर्ट उन आधारों पर गौर करके अपना फैसला देगा। तो जो हर एक पहलू है उस पर कोर्ट ही गौर करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उस पर गौर सही करेगा। आपने पीयूष और बहुत अच्छे से आपने समझाया भी है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अल्टीमेटली जो फैसला है, जो अंतिम निर्णय है, वो कोर्ट को लेना है और कोर्ट सभी साक्ष्यों को ध्यान में रख करके निर्णय लेगी। अब मैं चाहूंगी इस चर्चा में रंगरेज साहब और शास्त्री जी को लाना। रंगरेज साहब, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए, देश की न्यायिक प्रक्रिया पर आपको भरोसा है ना? अगर कोर्ट सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे कोई निर्णय लेता है और मुस्लिम पक्ष को भी पूरा अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रखे, जिस भी पॉइंट से वो सहमत नहीं है उस पॉइंट के अगेंस्ट में वो अपना पक्ष भी रख सकता है, तो ये सब हो तो जाने दीजिए, पहले ही आप लोग रिपोर्ट को नकार रहे हैं। देखिए मेरा कहना यह है कि बिल्कुल हमें कोर्ट पे पूरा, संविधान पे और अपने कोर्ट पर पूरा विश्वास है, और हम अपनी लड़ाई जो है वो जमीन पे नहीं लड़ते, ना हम किसी का मंदिर तोड़ते। ये इतिहास है, जब से देश आजाद हुआ और आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे कोई दावा नहीं किया, ना कोई भाई से मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। शास्त्री जी, अंग्रेज साहब के जवाब के बाद आप बोलिएगा। तो मैं एक बात, अंजलि जी एक बात और कहना चाहूंगा, तो बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया सब मुसलमानों ने उसका वेलकम किया और कोई विरोध प्रदर्शन किसी तरीके का कोई माहौल खराब नहीं हुआ। तो हम आज भी यही अपील करते हैं सभी लोगों से, जो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सबको जो है संयम बरतना चाहिए और कोर्ट पर अपना विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सम्मान्य होगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट का सम्मान नहीं करता? इस प्रकार की बातें आप इस प्रकार की बातें करके आप कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस है, लॉजिक अगर हम देने लगे ये जो है किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर ऐसे लॉजिक से अधिक मुस्लिम कंट्री है और संविधान एक भारत है जो हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, अपने देवता की पूजा उपासना करने के लिए,
कहां पर जाएंगे, क्या मथुरा नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, काशी नहीं जाएंगे, आप बताइए क्या मक्का मदीना में जाएंगे, क्या रही है क्या मक्का मदीना में जाकर के हिंदू वहां पर अपनी पूजा करेंगे। हम भी कहते हमने तीन स्थान आपसे कहे हैं जो कि प्रारंभ से हिंदुओं के स्थान है, तो अयोध्या है तो लड़ाई की बात क्या, आप जो कह रहे हैं रोजाना होनी चाहिए। राजकुमार जी एक बार देवकी नंदन जी के पास में जाना चाहूंगा। देवकी नंदन जी अब तो बात ये है, पूरा मामला ये है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पक्ष हो हिंदू मुस्लिम, वो लंबे समय तक कानून के दरवाजे को जाते हैं, खटखटाते हैं और फैसले का अंत तक इंतजार करते हैं, तो बात तो हो गई कि सभी लोग कानून का पालन करते ही हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। आज 26 जनवरी है, लोग अदालतों को मानते हैं, आज भी उनकी आस्था है, तो फिर बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी आस्था नहीं है हमारी है। कोई बाबरी का एग्जाम्पल देता है तो कोई शाबानो केस का एग्जाम्पल देता है, शाबानो में किसी ने नहीं माना तो कोई कह रहा है कि बाबरी में किसी ने नहीं माना। देखिए हम एक बात मानते हैं कि किसकी आस्था है किसकी आस्था नहीं है ये वो जाने, उनका पर्सनल मैटर है, उस विषय पे हमारा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में मंदिर टूटते हैं तो हिंदुस्तान के हिंदू कभी भी उनके साथ में बात भी कहने नहीं जाते, और हमारे साथ में जैसा होता है कि हम पाकिस्तान में भी हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, देवी देवताओं का अपमान होता है, औरों की तो बात छोड़ो, हमारे ही देश में कई जगह पर हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, और यही अपमान ही औरंगजेब ने किया था हमारे मंदिर तोड़कर, और हमको नीचा दिखाने के लिए किया था, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए किया था। मथुरा हो या अयोध्या हो या काशी हो, इन तीनों जगह जो उसने दुष्कर्म किया है वो सनातनियों की अस्मिता पर आत्मा पर चोट पहुंचाई है। और तब तक अभी ये लोग सभी बातें कर रहे हैं भाईचारे की या किसी की भी, हम मानेंगे हम नहीं मानेंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ये इनको मथुरा काशी और अयोध्या इन तीनों जगह में इनका कोई पीर पैगंबर पैदा हुआ है क्या जी? अगर कोई हुआ है तो ये प्रमाण दे भैया, हमारे जो देवी देवता हैं वहां पर उसका प्रमाण हम दे रहे हैं। तो आपको अगर भाईचारे की बात करनी है, अगर आपको समाज में समानता की बात करनी है, तो मथुरा काशी अयोध्या इन तीन जगह पे सनातनी कभी भी समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मथुरा हमारी थी, मथुरा हमारी है, मथुरा हमारी रहेगी, काशी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इन तीन जगह पे उतना ही हमारा अटैचमेंट है जितना इनका मक्का मदीना में, वो समझौता हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाफिज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, देवकी नंदन ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम तो प्रमाण के आधार पर चैलेंज कर रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट के आधार पर, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मुस्लिम पक्ष आपसी भाईचारे की मिसाल देते हुए अपने कदम पीछे करेगा? आपका लास्ट कॉमेंट चाहूंगी। हमने आपसी भाईचारे की मिसाल बाबरी मस्जिद मामले में दे दी, बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, हमने मान लिया। बार बार हमारी आप सभी मस्जिदों में अपनी आस्था थोपेंगे तो हम साहब नहीं मानेंगे, और हम और हम अगली अदालत तक भी जाएंगे और उसका भी इंसाफ हम देखेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के जल्दी से आपका पक्ष ले लिया, जल्दी से आप अपना हिंदू मूर्तियां स्थापित हैं, अपनी बात रखे उपमन्यु जी, झूठी वो तो कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। हमारी संस्कृति में कभी भी, और हम लोगों ने हिंदू समाज हो चाहे सनातन समाज हो, कभी भी कोर्ट का अवहेलना नहीं की है, कोर्ट के बारे में कोर्ट को चैलेंज नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है वो भाईचारे से हटके कोर्ट के निर्णय से हुआ है और आज भी कोर्ट के निर्णय से होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मानिए वो लोग अपराधी थे, मानिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले अपराधी थे, कोई अपराधी नहीं था, अपराधी थे वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने वाले, जो बाबरी मस्जिद जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मुझे लगता है कि देखिए बाबरी मस्जिद बनाया वो अपराधी, अयोध्या मामले पे कोर्ट का निर्णय आ चुका है, शर्म आती है, कोर्ट का निर्णय हो चुका है, मुझे लगता है कि हम वहां ना जाके उनके साथ जो मुद्दा है इस विषय उस पे हम रहे। ठीक है, हम समय उपमन्यु जी समय समाप्त हो रहा है, प्रीति के पास एक बार जाएंगे। प्रीति, वहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हमें नजर भी आ रहे हैं, उनसे बात करें, पूछे उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि इन लोगों की क्या राय है। ये बताइए, ज्ञानव्यापी में सर्वे रिपोर्ट आ गई है, वहाँ पे हो गया है कि मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था, भव्य मंदिर था। ये बिल्कुल सही बात है, मस्जिद से पहले मंदिर था, और ये 16वीं शताब्दी ने औरंगजेब ये बिल्कुल
ये बहुत बुरे शासक थे जिसने सारे मंदिर को तुड़वा करके मस्जिद बना दिया। आप क्या कहेंगे, अब सर्वे रिपोर्ट आ गई है कि ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले वहाँ पे भव्य मंदिर। बढ़िया मंदिर था, अभी बहुत बढ़िया हो गया है, अभी राम को मिल के हम बहुत खुशी हो गई है। ठीक है प्रीति, तो अयोध्या में प्रीति मौजूद है, राम भक्तों से बात कर रही है, वहां पर तो खुशी की लहर है एसआई की रिपोर्ट के बाद। और समय इतना ही था, सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो एसआई की रिपोर्ट आ गई है, अब आगे कोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट जाएगी और कोर्ट उसी आधार पर आगे का निर्णय लेगा, इसीलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है हमें।